अच्छी खासी चलती फिरती जिंदगी जीते हुए अगर अचानक आप इस चलने फिरने से ही लाचार हो जाएं, तो जिंदगी में कुछ कर सकने की चाहत का दम घुट जाता है। ऐसा लगता है कि सारी दुनिया ने हमें पीछे छोड़ दिया और हम कहीं खो गए। क्या अब बस गुमनाम हो गए? क्या हमारी ये जिंदगी बेबसी की दास्तां बनकर रह जाएगी? क्या हमेशा दूसरे की बैसाखी की जरूरत रहेगी? क्या हम दूसरों की दया पर ही जिएंगे? और ऐसे ही जीते जीते एक दिन आएगा जब हम शायद इसी गुमनामी के साथ इस दुनिया से चले जाएंगे। हर पल हर लम्हा ये ख्याल हमें डराता सताता रहता है कि क्या बस इतनी सी ही कहानी होगी हमारी जिंदगी की। आज हम आपको एक ऐसी अनोखी शख्सियत से मिलाते हैं जिनकी जिंदगी एक दर्दनाक हादसे के बाद थम सी गई। वो अपनी दौड़ती भागती जिंदगी को व्हीलचेयर पर जीने के लिए मजबूर हो गई, लेकिन फिर उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति के बल पर इन सारे सवालों के जवाब ढूंढ ही लिए और ना सिर्फ अपनी जिंदगी के लिए नया मकसद ढूंढ निकाला बल्कि आज दूसरों को भी इस तरह के हादसों से उबारने में मदद कर रही हैं। प्रज्ञा खिल्डियाल इंडियन स्पाइनल इंजरीज सेंटर दिल्ली में योगा शिक्षक है। और शायद आपको ये बहुत ही हैरान करने वाली बात लगे कि खुद व्हीलचेयर पर रहते हुए भी प्रज्ञा ने आज अपनी इच्छा शक्ति, सकारात्मक सोच, उम्मीद और हौसले के दम पर खुद को सबसे अलग, सबसे अनोखा बना दिया है। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो मेरी लाइफ 360 डिग्री बदल चुकी थी। फिर जब मैंने अपने आप को ये एक्सेप्ट किया कि नहीं, अब मैं व्हीलचेयर पे हूं और मैं हमेशा व्हीलचेयर पे रहूंगी, तो मेरे लिए ये सबसे बड़ा टारगेट था कि अब मैं लाइफ में आगे क्या करूंगी। क्योंकि मैंने अपनी सारी स्टडीज 12th के बाद सारी योगा में की थी और कहीं ना कहीं मैं जीरो पे खड़ी थी। मतलब जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तब मैं 21 ईयर्स की थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी लाइफ ने मुझे जीरो पर लाके खड़ा कर दिया कि अब मैं सिर्फ 12th पास तक रह गई हूं, क्योंकि उसके बाद की एजुकेशन मेरे लिए कोई काम नहीं आ पाएगी। पूरी जिंदगी एक व्हील चेयर पर निकालना, ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जिंदा दिल युवा लड़की के लिए ऐसी जिंदगी को जीना और भी मुश्किल होना चाहिए। ऐसे में प्रज्ञा ने खुद को सफलता की मिसाल बनाकर सबके सामने रखा है, जिसे ना जाने कितने लोग उनकी हंसी, उनकी ताकत को देखकर जी रहे हैं। मेरी जॉब लग गई स्पाइनल इंजरी सेंटर में और मैंने यहाँ पर आकर सिखाना शुरू किया। फिर मैंने धीरे धीरे पेशेंट्स को सिखाना शुरू किया कि जितना मेरी मूवमेंट है या जितना मैं सीख सकती हूँ या मैं कर सकती हूँ, उतना ही पेशेंट कर सकते हैं। मैंने उस बारे में पढ़ाई करी, मैंने उनको सिखाया, तो वो चैलेंज मैं धीरे धीरे अपना अचीव कर पाई और वो गोल मैंने अपना पूरा किया। प्रज्ञा यहाँ योगा सिखाती है, व्हीलचेयर कैसे इस्तेमाल करे उसके तरीके बताती है। यहाँ पे रखा, पकड़ा, एक बारी में शिफ्ट करना, बार बार इधर नहीं हिलना, इधर नहीं हिलना, धीरे से नहीं उठना। अगर आप बहुत धीरे उठोगे तो एनर्जी वेस्ट हो जाएगी, फिर आप नहीं कर पाओगे। मरीजों की काउंसलिंग करती है, उनका मनोबल बढ़ाती है, उनमें जीने की इच्छा जगाती है और हर पल उनको ये एहसास दिलाती है कि आप बोझ नहीं बल्कि सबसे खास हैं। प्रज्ञा को मैंने शुरू से देखा है, जब उसको चोट लगी थी और वो यहाँ एक मरीज के रूप में दाखिल हुई, और आज जब वो एक प्रोफेशनल के तौर पे यहाँ काम कर रही है, जो वो लोगों में उम्मीद और हौसला पैदा कर पाती है, वो बहुत कम लोग मैंने देखा अपनी जिंदगी में जो उस तरह से वो कर पाते। और खास बात यह है कि वो अपने आप में एक रोल मॉडल है। बहुत सारे पेशेंट्स सालों साल अपनी डिसेबिलिटी एक्सेप्ट नहीं करते। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने आप को व्हीलचेयर पे बैठ के शीशे में देखना नहीं चाहते, तो वो शीशा देखना बंद कर देते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको हमेशा ये लगता है कि हम उठें और हम चलें, वो अपना सारा करियर खत्म कर देते हैं, वो अपनी सारी स्टडीज खत्म कर देते हैं, वो ऑफिस जाना बंद कर देते हैं सिर्फ इसीलिए क्योंकि उनको ऐसा लगता है हम फिजियोथेरेपी करें और हम चलें।
तो वो सब चीजें इसीलिए आती है उनकी लाइफ में, इतना स्ट्रेस इसीलिए आता है, इतनी कॉम्प्लिकेशंस आती है, क्योंकि वो अपनी डिसेबिलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते। इस अस्पताल में हर कोई प्रज्ञा का दोस्त है। उनके साथ काम करने वाले उनके सीनियर्स, सहकर्मी, उनके पेशेंट्स, हर कोई प्रज्ञा के जुनून को देखकर उनका कायल हुए बिना नहीं रह पाता। इंडियन स्पाइनल इंजरी में काम करते वक्त बहुत सारे पेशेंट्स मुझे मेरे सामने आए जो स्पाइनल इंजरी से सफर कर रहे थे। ऐसे हर पेशेंट काफी परेशान होते हैं, मेंटल ट्रॉमा होता है, फिजिकल ट्रॉमा होता है, इतने लोग दुखी होकर आते हैं इधर, लेकिन इनके बीच में प्रज्ञा जब आई यहाँ पर तो उसमें और बाकी लोगों में पहले दिन से बहुत फर्क था। शायद ये उसके योगा इंस्ट्रक्टर होने का असर होगा। जब कोई इंसान शारीरिक रूप से अपने आप को असहाय देखता है तब पूरी दुनिया उसको बेगानी लगने लगती है। ऐसे में अगर इंस्ट्रक्टर प्रज्ञा घिल्डियाल जैसी कोई अनोखी हो तो ये पहाड़ चढ़ने की चुनौती जैसी दुनिया भी आसान लगने लगती है। वो पेशेंट्स की काउंसलिंग इस तरह करती है कि एक पॉजिटिव वाइब्रेशन आती है उनमें दिखता है सामने वाला इतने दुख में भी, इतनी परेशानी में भी खुद हंस रहा है, तो वो पेशेंट्स को एक ऐसी फीलिंग देता है कि मैं, हम अकेले नहीं हैं लाइफ में। तो प्रज्ञा इज समबडी जो उन लोगों की मेंटर है, चाहे वो अपनी व्हीलचेयर को व्हीलचेयर बुलाने का बात हो, या किसी भी स्पोर्ट्स इवेंट में पार्टिसिपेट करने की बात हो, किसी भी डांस इवेंट में पार्टिसिपेट करने की बात हो, या बाहर जाके शॉपिंग करने की बात हो, सब में प्रज्ञा क्लास वन है। मेरे एक्सीडेंट से पहले मैंने बड़े फ्यूचर प्लान्स बनाए थे। मेरे एक्सीडेंट्स जब मेरा मई में एक्सीडेंट हुआ था और मेरी अप्रैल में जॉब लगी थी सिंगापुर में, तो मुझे जुलाई में ज्वाइन करना था। तो अगर मेरा एक्सीडेंट नहीं होता तो मैं जुलाई में सिंगापुर चली जाती। तो कहीं ना कहीं उसके बाद ऐसा लगा कि फ्यूचर प्लान्स का कोई फायदा होता नहीं है। पूरे अस्पताल में हंसी बिखेरता हुआ ये चेहरा 9 साल पहले एक दुर्घटना के बाद उदासी में घिर गया था, मानो सब कुछ खत्म हो गया हो। उस तारीख ने प्रज्ञा का जीवन बदल कर रख दिया। वो हार्डली 10-15 seconds का एक्सीडेंट था। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ 2005 में, मैं मॉर्निंग 5:30 हुआ क्लास के लिए जा रही थी, तो वहां पर एक लड़का कार चलाना सीख रहा था, रोड एकदम खाली थी पूरी तरह से। तो जब मैं स्कूटी चलाती थी एक्टिवा, मैं उसके साइड से जैसे ही मैंने क्रॉस किया तो उसने कार स्टार्ट करी और हिट कर दिया, मेरा स्कूटर डिसबैलेंस हो गया। तो मैं जैसे ही नीचे गिर गई तो बजाय ब्रेक लगाने के उसने एक्सीलेटर पे पैर रख दिया और कार मेरी लोअर बैक के ऊपर से चली गई। मेरे एक्सीडेंट से पहले मैंने बड़े फ्यूचर प्लान्स बनाए थे। मेरे एक्सीडेंट्स जब मेरा मई में एक्सीडेंट हुआ था और मेरी अप्रैल में जॉब लगी थी सिंगापुर में, तो मुझे जुलाई में ज्वाइन करना था। तो अगर मेरा एक्सीडेंट नहीं होता तो मैं जुलाई में सिंगापुर चली जाती। तो कहीं ना कहीं उसके बाद ऐसा लगा कि फ्यूचर प्लान्स का कोई फायदा होता नहीं है। 21 साल की प्रज्ञा ने अपने जज्बे और हौसले के दम पर दर्दनाक हादसे को मात दे दी। उनके हौसले ने कई जिंदगियों के जीने के मायने बदल दिए। केस इतना सीवियर था, मेरे को स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई थी और मल्टी फ्रैक्चर्स थे। मेरी 8 ribs में फ्रैक्चर था और पीछे बैक में 2 bones मेरी टूट चुकी थी स्पाइनल कॉर्ड में, और फीमर फ्रैक्चर था, मेरी लेग की बोन पूरी तरह से टूट चुकी थी। तो जब मुझे हॉस्पिटल लेके गए और सारा मेरा डायग्नोस किया गया तो जो वहाँ के ऑर्थोपेडिशियन थे उन्होंने बोला कि इंडियन स्पाइनल इंजरीज में आपको जाना चाहिए क्योंकि वहीं पे इसका ट्रीटमेंट है। तब तक पेन इतना ज्यादा सीवियर हो चुका था कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मेरा लोअर पोर्शन पैरालिसिस हो चुका है या मेरा लोअर पोर्शन काम नहीं कर रहा है। उस तारीख ने प्रज्ञा के सामने एक चुनौती भरी जिंदगी को लाकर खड़ा कर दिया। ये सब सुनना और इन सब चीजों को बर्दाश्त कर पाना या इन सब चीजों को समझ पाना बहुत मुश्किल था इनिशियल स्टेज ऑफ इंजरी, क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा मुझे टेंशन इस चीज की नहीं थी कि मैं कभी चल नहीं पाऊंगी या मैं हमेशा व्हीलचेयर पर रहूंगी। मेरे लिए टेंशन इस चीज की थी कि मैं कभी योगा नहीं कर पाऊंगी।
प्रज्ञा को उस चुनौती को हर हाल में जीतना था। रास्ता दिखाया एक अनजान इंसान ने। आफ्टर टू एंड हाफ मंथ्स जब मेरा बॉडी थोड़ा सा रिकवर कर रहा था, तब मुझे यहाँ के साइकोलॉजिस्ट ने बोला कि आप बाहर जाओ, अपने फ्रेंड्स के साथ घूम कर आओ, क्योंकि हॉस्पिटल में सब लोग एक जैसे दिखते हैं, आप बहुत सारे लोग व्हीलचेयर पे दिखते हैं, 100 व्हीलचेयर यूजर्स दिखते हैं, तो कुछ ऑड नहीं लगता। तो इनिशियल स्टेज ऑफ इंजरी में काफी सारी चीजें लगी थी मुझे, आगे ब्रेस लगा था जिसकी वजह से वो सब पैक था, पैरों में पूरा बंधा हुआ था और ट्रैक पजामा और ये सब पहन के, बट डॉक्टर ने बोला जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है, घूम कर आओ। तो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ गुड़गांव के किसी मॉल में घूमने गए, लेकिन जैसे ही मैंने मॉल में एंटर किया तो पता नहीं क्या हुआ, समहाउ मुझे ऐसा लगा कि सारी दुनिया मुझे देख रही है और मेरा मजाक उड़ा रही है। तो मैं नजर नहीं मिला पा रही थी किसी से भी, और ऑब्वियसली लोग देख ही रहे थे क्योंकि उनके लिए वो चीज़ अजीब थी कि कोई व्हीलचेयर पे मॉल घूम रहा है। तो मुझे बहुत बुरा लगा उस टाइम। तो उस दिन मैंने मन में सोचा कि अब मैं कभी बाहर नहीं निकलूंगी। प्रज्ञा के मुताबिक पता नहीं वो शख्स कहां से आया और प्रज्ञा को जिंदगी जीने का मकसद देकर चला गया। एक अंकल आए थोड़े एजेड से, उन्होंने पीछे से मेरे शोल्डर पे हाथ रखा और मेरे कान में बोला कि बेटा आप बहुत स्ट्रांग हो कि आप इतने बड़े वर्ल्ड में, इतने बड़े वर्ल्ड का सामना करने के लिए बाहर निकले। और मैंने देखा उनकी तरफ कि वो कौन है, और उन्होंने स्माइल किया और चले गए। बस वो एक मोमेंट था कि वो शायद वो मेरे लिए गॉड थे, क्योंकि उस मोमेंट के बाद मुझे कभी बाहर जाने में शर्म नहीं आई। और उस दिन के बाद से मैंने अपने आप को कभी ऐसे नहीं समझा कि लोग मुझे देख रहे हैं या लोगों की मेरे को देखने में नेगेटिव सोच है या उनका विचार है। मैं हमेशा उसके बाद घर से निकली, मैंने सब चीज एक्सप्लोर करी। इनफैक्ट मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत बार दिल्ली से बाहर घूमने जाती हूँ, मैंने इंटरनेशनल ट्रिप्स भी की हैं अकेले। इतना सब देखने के बाद प्रज्ञा को जिंदगी के उस मुश्किल वक्त में ऐसे लोग मिले जिन्होंने उनका मनोबल बढ़ाया, उनके अंदर जीने की चाह को जगाया और उनको हमेशा यही बताया कि वो सबसे खास है, और यही आत्मबल आज प्रज्ञा सब में जगाती है। जब यहाँ पे एडमिटेड थी तो मेरे इंजरी के अराउंड 2 मंथ्स बाद ऐसा हॉस्पिटल में डिपार्टमेंट में सुनने में आया कि कोई मिस्टर अरुण सोंधिया आने वाले हैं, वो व्हीलचेयर यूजर हैं, वो इतनी तेज व्हीलचेयर चलाते हैं कि नॉर्मल बंदे को भी पीछे छोड़ देते हैं। तो मुझे लगता था ये झूठ है, ऐसा कोई हो ही नहीं सकता जो व्हीलचेयर से सीढ़ी चढ़ जाता है, जो व्हीलचेयर से शिफ्ट होकर कार में कार चला सकता है। मुझे वो चीजों पर बिलीव नहीं होता था। बट जब वो आए सर अरुण सोंधी सर, तो मैंने उनको बोला कि सर मैं आपसे बहुत सारी चीजें मैंने सुनी है, मैं सीखना चाहती हूँ, लेकिन मेरे को ना बैक में सर्जरी हुई है तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। तो उन्होंने मुझे वो सब चीज सिखाई, सारे बेसिक व्हीलचेयर स्किल सिखाई, सारी एडवांस व्हीलचेयर स्किल सिखाई, और उन्होंने मुझे एक कॉम्प्लीमेंट दिया कि मैं इतने सालों से ऐसे आ रहा हूँ लेकिन तुम मेरी फर्स्ट फीमेल पेशेंट हो जो इतना सब कुछ सीख रही हो। क्योंकि मैं इतने सालों से आ रहा हूँ, ज्यादातर फीमेल्स कुछ करना पसंद नहीं करती हैं, वो पेन के आगे जाना पसंद नहीं करती हैं। तो वो सब चीजें जब मैंने सीखी तब मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि यार व्हीलचेयर पर रह के आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो। और एक हमारे हॉस्पिटल के चेयरमैन सर है, वो भी व्हीलचेयर यूजर है, बट अगर वो बीइंग अ व्हीलचेयर यूजर इतना बड़ा हॉस्पिटल चला सकते हैं और इतने बड़ा हॉस्पिटल को इतने अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, तो लाइफ में बहुत कुछ हो सकता है। कोई ऐसी परेशानी अब नहीं लगती, शुरू में थोड़ा फेस करना पड़ा, पर प्रज्ञा को देख के, प्रज्ञा की विल पावर देख के मुझे अपनी विल पावर बहुत स्ट्रांग करनी पड़ी। किसी भी दुख में सबसे पहले आपका परिवार आपकी सबसे बड़ी ताकत बनता है। ऐसे में प्रज्ञा के माता पिता ने उनको इस दर्द से बाहर निकालने में अहम भूमिका निभाई। शायद इसीलिए ही आज प्रज्ञा इस मुकाम पर है। एक चीज बहुत पॉजिटिव थी मेरे फैमिली के साथ कि कभी उन्होंने मुझे इस तरह से नहीं देखा कि मैं बिफोर इंजरी और आफ्टर इंजरी में क्या डिफरेंसेस आए हैं मुझमें। मेरी मदर ने मुझे हर तरह से कोऑपरेट किया। इनिशियली उनका फिजिकल कोऑपरेशन बहुत था, मैं कोई भी काम अपने आप नहीं कर पाती थी, तो उन्होंने मुझे हर चीज में कोऑपरेट किया, ड्रेसिंग अनड्रेसिंग शिफ्टिंग जो भी मेरा काम होते थे, बेडिंग सब में उन्होंने मुझे हेल्प की। हर चीज में मुझे हर बात पे उन्होंने मुझे परमिशन दी है ताकि मैं अपने आप को किसी भी तरह से किसी से कम ना समझूं। हमने अपना अपने आप को सबने सेट कर दिया, लाइफ बहुत स्मूथ हमारी इस समय चल रही है। प्रज्ञा अपने में बहुत बिजी है,
मैं प्रज्ञा के साथ बिजी हूँ, अपने घर में भी बिजी हूँ, और मतलब कोई ऐसी परेशानी अब नहीं लगती। शुरू शुरू में थोड़ा फेस करना पड़ा, पर प्रज्ञा को देख के, प्रज्ञा की विल पावर देख के मुझे अपनी विल पावर बहुत स्ट्रांग करनी पड़ी। मांजी मुझे घूमने ले जाती हैं और मांजी मेरे साथ खेलती हैं। I love my मौसी। प्रज्ञा एक बहुत अच्छी योगा टीचर है, अपने रोगियों का पूरा ख्याल रखती है और उन्हें बहुत अच्छे से समझाती है, उनकी सोच को सकारात्मक बनाने में सहायता करती है। लोगों को इस चीज का एजुकेशन भी नहीं है कि ये डिसेबिलिटी अगर है तो वो क्यों है, लेकिन अब धीरे धीरे उस मेंटल ब्लॉकेज को हटाने का एक छोटा सा जरिया हम लोगों ने स्टार्ट किया है कि हम स्कूल्स में या कॉलेजेस में जो यंग क्राउड है, जो इन बिटवीन 13 से लेकर 25 तक का जो क्राउड है, हम उन लोगों को एजुकेट करते हैं डिसेबिलिटी के बारे में। 90% जो केसेस होते हैं वो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के एक्सीडेंटली होते हैं, तो इन सब चीजों के लिए अगर किसी को एजुकेट किया जाए और उनको फर्स्ट एड का तरीका बताया जाए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि एक्सीडेंट से इंजरी नहीं होती है, बस मिसमैनेजमेंट से जरूर इंजरी हो जाती है। तो वो एक कोशिश है, एक हमारी एक छोटा सा जरिया है लोगों तक पहुंचने का। अगर लोगों के दिमाग में आएगा, समझ आएगा, अगर यंग क्राउड इस चीज को समझ पाएंगे और उस चीज को रिस्पेक्ट कर पाएंगे, तो धीरे धीरे आगे जनरेशन उस चीज को एक्सेप्ट कर पाएगी। योगा के साथ साथ भी काफी कुछ है जो उन्हें करना पसंद है। मैंने अपने एक्सीडेंट से पहले कभी हॉर्स राइडिंग नहीं करी थी, जो कि मैंने अपने एक्सीडेंट के बाद सीखी। बाद में मैंने हॉर्स राइडिंग करी। मैंने अपने एक्सीडेंट से पहले स्विमिंग कभी नहीं सीखी थी, मैंने अपने एक्सीडेंट के बाद स्विमिंग सीखी, मैंने स्विमिंग करना शुरू किया। प्रज्ञा ने अपनी कोशिशों से जिंदगी को वापस पटरी पर डाल लिया है। वो सारे काम जो एक आम इंसान कर सकता है, प्रज्ञा ने अपने तरीकों से करने का हुनर सीख लिया है। यहाँ तक कि अपने घर से हॉस्पिटल तक की 30 किलोमीटर की दूरी वो खुद गाड़ी चलाकर पूरी करती है। खास बात यह है कि कार चलाना भी प्रज्ञा ने हादसे के बाद सीखा। शुरू से बहुत शौक था ड्राइविंग करने का, तो मेरा एक फ्रेंड है राजीव, वो भी व्हीलचेयर पे है, मेरे कुलीग है, तो उनसे मैंने रिक्वेस्ट करी। वो अपनी कार खुद ड्राइव करते थे, उनकी कार में हैंड कंट्रोल्स लगे थे, उन्होंने मुझे ड्राइविंग सिखाई। जब मैंने ड्राइव करना सीख लिया तो एक दिन मैं उन्हीं की कार चलाकर घर लेकर गई, और जब मैं लेकर गई उनकी कार चला के, मैंने मम्मी को बोला आप पीछे बैठो, मैं चलाऊंगी कार। तो मेरी मम्मी पीछे बैठी और मेरी मम्मी ने गायत्री मंत्र बोलना शुरू कर दिया। प्रज्ञा की सफलताओं का सिलसिला बेरोक टोक आगे बढ़ रहा है। उनके इरादे मजबूत हैं, इच्छाएं बुलंद हैं। उनकी लगन और लोगों की दुआएं उन्हें उस ऊंचाई तक जरूर पहुंचाएंगी, जहां प्रज्ञा अकेली नहीं होंगी। उनके साथ होंगे उनके जैसे वो सभी लोग जिन्होंने जीवन के अंधेरे में जीने की किरण प्रज्ञा से पाई है। सच्चे मायने में प्रज्ञा ने अपने नाम को सार्थक किया है। अब तक मेरा यही रहता है रूल के आज पे जियो, फ्यूचर में सिर्फ वही चीज रखो जो आपको टारगेट अचीव करना है। जैसे मेरा फिलहाल अभी स्पोर्ट्स है, मुझे स्पोर्ट्स में जब तक अर्जुन अवार्ड नहीं आ जाता तब तक तो मुझे कम से कम खेलना ही खेलना है, चाहे 2 साल हो, चाहे 5 साल हो, चाहे 10 साल हो, तो मेरे को ओलंपिक्स में मेडल लेना है। तो अभी जो मेरे फ्यूचर प्लान है सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। वो अपने आप में एक रोल मॉडल है और लोग उसकी तरह से बनने की कोशिश करते हैं, और वो भी वाकई जो उसने अब तक अचीव किया है और आगे जो मैं चाहता हूं और दुआ भी करता हूं कि वो अचीव करे, क्योंकि उसमें अर्जुन की तरह जैसे वो मामला था कि बिल्कुल अपने निशाने पे नजर, और बहुत मेहनत कर रही है और सबके लिए बहुत बड़ा उदाहरण। उन्होंने ना केवल अपने जीवन को उत्साह से प्रकाशित किया, बल्कि अपने दायरे में आने वाले हर इंसान का जीवन रोशन किया है। मैं ये कह सकती हूँ कि मैंने इतना योगा किया था उससे पहले, इतने सारे मैंने मेडिटेशन सेशंस किए थे, और मैंने फिलॉसफी बहुत पढ़ी थी योगा की। तो जब हम योगा फिलॉसफी पढ़ते थे तो हम उसमें पॉजिटिविटी, विल पावर, स्ट्रेंथ
होप, इन सब चीजों, इन सब वर्ड्स को बहुत ज्यादा यूज करते थे। जब आपका अच्छा टाइम चल रहा होता है, जब आप अपनी लाइफ में हैप्पी हो, जब आप सेटल्ड हो, तो उस टाइम पे इन वर्ड्स की वैल्यू समझ में नहीं आती थी। जब आपकी लाइफ में कुछ डिप्रेशन आता है या जब आपकी लाइफ में टफ टाइम आता है, तब ये सारे वर्ड्स यूज होते हैं। तो मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ कि मैंने योगा किया था, योगा प्रैक्टिस की थी, योगा सीखा था, इसीलिए शायद मैं अपने एक्सीडेंट के बाद मैं उन वर्ड्स को यूज कर पाई अपनी लाइफ में। प्रज्ञा की अगली मंजिल एशियन गेम्स है। उनकी चाहत है कि वो पदक हासिल कर विश्व खेल मंच पर देश का नाम रोशन करे। स्पोर्ट्स में ही देखते हैं कितनी आगे तक बढ़ सकते हैं। मैं चाहूंगी कि मैं ओलंपिक्स में जाऊं और वहां पे मेडल लेकर आऊं। ये दो मुझे मेडल्स मिले थे, एक मेडल मुझे फाजा में मिला था दुबई में ग्रेप्री में, और इस मेडल की बहुत ज्यादा वैल्यू है क्योंकि ये ग्रेप्री कॉम्पिटिशन था। ये मुझे शारजा में मिला था, दोनों मेडल मेरे को ब्रोंज मेडल मिले थे और दोनों मेरे डिस्कस थ्रो में थे, और इन्हीं के बेसिस पे मेरा, इन्हीं मेडल्स के बेसिस पे मेरा एशियन गेम्स में सिलेक्शन हुआ है। तो सिर्फ इतना ही एक मैसेज है कि किसी भी तरह की डिसेबिलिटी को देखा जाए या किसी भी व्हीलचेयर यूजर को देखा जाए, तो प्लीज उसके लिए कभी ऐसा मन में नहीं सोचना चाहिए या ऐसे उसको एक्सप्रेशंस नहीं देना चाहिए कि वो बेचारा है या वो बेचारी है। कहीं ना कहीं वो इस वर्ल्ड में उनसे ज्यादा स्ट्रांग है जो अपनी हाफ बॉडी यूज करके घर से बाहर निकल रहा है या वो अपने स्पिरिट्स हाई करके वर्ल्ड को फेस करने के लिए बाहर निकल रहा है। जिसे लोग कहते हैं जिंदगी, ये तो हादसों का मुकाम है, ये मेरा ही कमाल था जो दरमियां से गुजर गया, कभी मेहरमा हुजूम से तो कभी कहकशा से गुजर गया, मेरी सादगी देख ऐ मेरे खुदा, तूने रोका जहां जहां, मैं वहां वहां से गुजर गया। अगर आप भी ऐसी किसी अनोखी के संपर्क में हैं और चाहते हैं कि उनके अनोखेपन से समाज भी हो रूबरू, तो आप उनकी जानकारी और कार्यक्रम के बारे में कोई सुझाव हमें लिख भेजें। हमारा पता है 302 ए पोसाइडन टावर ऑफ यारी रोड, वर्सोवा, अंधेरी वेस्ट, मुंबई 400061। ईमेल आईडी है anokhi@greentvindia.com। हमारे फोन नंबर हैं 0120-498-0000 और 498-0011। अपने टीवी पर ग्रीन टीवी देखने के लिए अपने केबल ऑपरेटर या डीटीएच ऑपरेटर को तुरंत कॉल करें और हमें लिख भेजें info@greentvindia.com पर। SMS या WhatsApp करें 9197695770409 पर।